आप यहाँ की पूरी खूबसूरती सूरज कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ और देखे काफी आपको अच्छा लगेगा यहाँ का पूरा देख करके। काटो 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 काटो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आप सब देख सकते हैं हम लोग कहाँ आ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं मडवाड़ी स्टेशन, जो कि बनारस स्टेशन है, हमारे पूर्वांचल का बेस्ट स्टेशन है, जो कि आप सब आज देखेंगे इस पूरी वीडियो में। और वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की इंटीरियर, यहाँ की सुविधा बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छी है। तो आइए देर नहीं करते, फटाफट चलते हैं अंदर और आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, अभी हम बढ़ ही रहे थे अंदर जाने के लिए और हमें एक भैया मिल गए जो कि बनारस के ही हैं और ये आज दिल्ली जा रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया है। तो आपका नाम क्या पहले बताइए। भैया मेरा नाम राहुल तिवारी है। देखिए तिवारी जी हमारे साथ है आज और बड़ी ठंड में निकले हैं जो कि दिल्ली जाने के लिए, जो कि कड़ाके की ठंड में कोई नहीं निकल रहा। ये देखिए दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट। हम लोग तो स्टेशन ही दिखाने आए थे, ये डायरेक्ट दिल्ली देखे ले जाकर। तो आप दिल्ली किस लिए जा रहे हैं। भैया तैयारी करते हैं। किस चीज़ का तैयारी करते हैं। एनडीए का। ये एनडीए की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमने सुना है कि कुछ ही हाल ही में एक लड़की का एनडीए में जो है निकला है, पेपर में निकला हुआ था, शायद चौपन या चंदौली कहीं क्षेत्र की थी। चंदौली के, चंदौली या चौपन की थी शायद, मुझे लगता है जहाँ तक अंदाजा। तो उसी के देखिए भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ इस पढ़ाई के लिए। आप जा रहे हैं, इतनी मेहनत करेंगे और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का, अपने जिले का, स्टेट का नाम रोशन करिए और अपने सपनों को पूरा करिए, साकार करिए उसे, और यही कामना करते हैं हम लोग। और चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मेरा छोटा भाई है जो कि आज मिल गया मुझे, बहुत दिन से कह रहा था ब्लॉग में। और आप इससे पहले वाले ब्लॉग में भी देख चुके हैं जो कि घाट में शूट किया था हम लोग, और आज घूमते हैं इसके साथ, काफ़ी मस्ती होगी, चाय पियेंगे हम लोग और मज़ा लेंगे। आप सबको भी बनारस की थोड़ी हलचल दिखाते हैं, शाम की क्या हलचल है यहाँ की, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा आज देख करके। भैया बहुत दिनों से याद कर रहे थे लेकिन ठंड में मैं आ नहीं पा रहा था, इत्तेफाक से आज ऐसा मुलाकात हुआ कि दिल खुश हो गया मेरा। हम लोग जा रहे थे जो है रास्ते में थे और मुझे लगा कि ये छोटा भाई मेरा जा रहा है, तो मैंने अब सूरज से बोला कि देखो ये भाई है जा रहा है, तो आई थिंक ये जो मैं सोच रहा था वही निकला, ये वही था। और दिल खुश था कि आज ये मिल गया हमें। और आइए चलते हैं, दिखाते हैं मस्त मस्त नज़ारा। तो गाइस आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए मस्त फाउंटेन बना हुआ है और आप सब देख सकते हैं क्योंकि तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। लाइटिंग है यहाँ पे, बड़ी अच्छी तरीके से लाइटिंग लगाई गई है इसमें, और आगे भी है। ये काफ़ी बड़ा फाउंटेन है यहाँ पे, मुझे लगता है करीब 5000 स्क्वायर फीट में ये फाउंटेन बना हुआ अंदाज। तो आइए अब आके देखते हैं, यहाँ लोग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ पे सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी आते हैं। और ये है हमारा बनारस स्टेशन जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हो चुका है और काफ़ी मस्त स्टेशन है ये। अंदर का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है इसका, और शाम का नज़ारा, काफ़ी ठंड में हम सब निकल चुके हैं व्लॉग बनाने और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। और आई होप आप सबको देख करके जो है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। यहाँ देखिए कुछ बना हुआ है जो कि बेहद खूबसूरत है और काफ़ी आकर्षक है वो, और आपको पास से दिखाते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अब इस ट्रेन को देखिए, क्या मस्त ट्रेन लग रही है देखने में। और अभी काफ़ी ठंड का माहौल है इसलिए काफ़ी लोग बाहर नहीं दिख रहे, अंदर बहुत लोग होंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। और यहाँ देखिए, यहाँ भी फाउंटेन लगा हुआ है, मैंने उस तरफ से दिखाया आपको और इस तरफ से आप देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरत है। सूरज बड़े ध्यान से जो है इसको देख रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं देर न करते हुए। अंदर जाने से पहले आप लोगों को पहले कुछ अमृत महोत्सव के नाम सुना होगा आप लोगों ने,
गोल्ड लाइट दिखाते हैं आपको यहाँ पे 75 अमृत महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव। पास आइए दिखाइए, ये 75 नंबर लिखा हुआ है, ये अमृत महोत्सव का है आप जैसा कि देख रहे हैं, और इस पे 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए। आई थिंक यही गुरु सर यही बात है, लगता है 75 ईयर्स हो चुके हमारे देश को आजाद हुए, तो उसी के उपलक्ष में ये बनाया गया है यहाँ पर। और ट्रेन देखे काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ इसको सजाया गया है, और आपको ऐसा ही ये 12 मंथ पूरा आपको ऐसा ही सजा हुआ मिलेगा यहाँ पे। और ये सेल्फी पॉइंट भी है, काफी लोग आते हैं यहाँ सेल्फी जो है खींचते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने भी काफी सेल्फी लिया है। और यहाँ फाउंटेन बने हुए देख सकते हैं आप, जो कि काफी खूबसूरत है। और ये हमारे बनारस का मेन स्टेशन सूरज आप स्टेशन दिखाइए स्टेशन की तरफ, और आप सब देखिए जो कि काफी खूबसूरत बना हुआ स्टेशन, और बेहद ही बड़ा स्टेशन है ये। और आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं, आप देखिए आपको काफी अच्छा लगेगा देख करके। और आप देखिए ऊपर जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए बनारस लिखा हुआ है स्टेशन का नाम, क्योंकि हमारे बनारस में सबसे ज़्यादा प्रचलित में स्टेशन है, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो अब आइए देर नहीं करते अंदर चलते हैं, देखिए अंदर से अंदर का जाने के लिए तो लगे गए हमारे टिकट, बट हम लोग लेंगे कोई टिकट नहीं, देखिए टिकट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टिकट अंदर जा रहे हैं, ये मजाक ऐसे ही करता रहता है। देखिए अंदर टिकट जो है इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप थोड़ा एरिया अगर अंदर जाते हैं तो आपका टिकट नहीं लगेगा। हालांकि अगर आप थोड़ा और क्रॉस करेंगे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ट्रेन दिख रही होगी आपको, अगर उसको आप क्रॉस करेंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा पूरा देखने के लिए। आप जाते हैं कहीं भी, अगर आपके पास टिकट है कहीं अगर आपको जाना है तो आप तो टिकट लेने की जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म, लेकिन हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेंगे। हम लोग चलिए अंदर आपको दिखाते हैं, अंदर उतना अलाउ है आप कर सकते हैं अंदर जा सकते हैं, और चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर। सर दिखाने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप प्लीज पास आ जाइए भैया, इतनी ठंड में घर से कोई निकल नहीं रहा है, भैया बाहर निकल रहे वीडियो बना रहे आप लोगों को दिखा रहे हैं, और विदाउट टिकट इंडर एंट्री ले रहे हैं, मार खाने तक खुद रेडी हैं आप लोग मुझे वीडियो दिखाने के लिए। यार प्लीज आप तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार, देखिए भाई का प्यार है, आप लोग इन्हीं की बात को सुनिए, और लोगों के लिए निकल के बाहर नहीं है, और सब्सक्राइब कर आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोग को अच्छी जगह ले जा रहे हैं, और काफी ठंड भी लगती है हमको, लेकिन ठंड का कोई हमको वो नहीं देखना है, सफल बनाना आप लोगों का। और चलिए आइए चलते हैं अंदर, ये भाई का प्यार है ऐसा ही बोलता रहता है ये, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल आगे बढ़ा जाएगा हम लोग। अब चलिए अंदर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं पूरा अंदर का सीन, आई होप आप सबको देख के अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ यहाँ दीवार पे पेंटिंग्स लगी हुई है जो कि काफी खूबसूरत है आप सब देख सकते हैं, और यहाँ पे एक चेकिंग का जो है यहाँ मशीन लगा हुआ है, आपको लगेज अगर सामान लेके आते हैं तो आपको ये यहाँ से आपका लगेज इसके अंदर जाएगा और चेक होगा, फिर आप अंदर जो है ले जा सकेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा नज़ारा, और देखिए आप यहाँ की पूरी खूबसूरती, सूरज कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ, और देखिए काफ़ी आपको अच्छा लगेगा यहाँ का पूरा देख करके। काटो। तो गाइस अभी हमने बीच में स्टॉप इसलिए किया क्योंकि अभी हम अंदर आ रहे थे तो यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने हमें रोका, और क्योंकि पब्लिक प्लेस है यहाँ पे तो आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आप यहीं से आप पूरे स्टेशन का नज़ारा लीजिए आप देखिए, और आपको पूरा स्टेशन का लुक दिखाते हैं कैसा स्टेशन बना हुआ है चारों तरफ का, आप देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख करके। और बहुत सारी सुविधाएँ हो चुकी हैं, और ये पूर्वांचल का नंबर वन स्टेशन है जो कि साफ सफाई के मामले में नंबर वन कहलाता है ये स्टेशन, और आप सब देख सकते हैं यहाँ कितनी साफ सफाई है स्टेशन पर, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस स्टेशन को अब बनाया गया है, पहले इस तरीके से नहीं था, ये 2 साल हुआ है स्टेशन को बने करीब मेरे अंदाज में, और अब बहुत खूबसूरत बन चुका है ये। और आप लोग जब भी वाराणसी आए तो इस स्टेशन पे ज़रूर विजिट करिए, और यहाँ का देखिए सिस्टम क्या है समझिए इसको, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए थोड़ा दूर अंदर चलते हैं और दिखाते हैं
क्या क्या सुविधाएं आप सब। अभी एक देखिए सामने ट्रेन खड़ी है, ये न्यू दिल्ली जा रही है बनारस से, शिवगंगा एक्सप्रेस यही ट्रेन है। चलिए आपको और भी चीजें दिखा दे। देखिए सामने दीवार पर कुछ पेंटिंग बनी हुई है, वो भी देखिए आप सब। पेंटिंग बनी हुई है, आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए आप सब देख सकते हैं, काफी खूबसूरत तरीके से पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पे। सारा चीज आप सब देखिए, क्योंकि काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ बैठने की सुविधा है, यात्री अगर आते हैं तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, उनका जब तक ट्रेन नहीं आ रहा है। तो आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी खूबसूरत तरीके से पूरी दीवार पर जो है कलाकृति बनी हुई है, जो कि हमारे बनारस की संस्कृति को दिखाती है। यहाँ घाट में कुछ सीन्स बने हुए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये BHU का गेट बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है इस डिज़ाइन को, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। यहाँ देखिए कुछ फाउंटेन टाइप का है, क्योंकि पानी मुझे लगता है शायद ऊपर से यहाँ नीचे आता है। और आइए और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। आइए देखिए वहाँ पे आप वो सामने देख सकते हैं, वहाँ वो टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जो काफ़ी कुछ सामान मिल रहा है, जो कि आप घरेलू सामान है वो सजाने के लिए, सजावट का सामान एक तरीके से आप उसको कुछ यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं बहुत सारी। तो आइए चलते। एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ साफ सफाई गाइस बहुत है, मतलब आपको एक कचरा भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ इतना साफ सफाई है। तो आई होप गाइस ये पूरा स्टेशन जो है बनारस का, मड़वाड़ी स्टेशन है ये, और बनारस स्टेशन बोला जाता है इसे, आपको देख करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि जो है हमारे बनारस का स्टेशन, जो लोग देखते थे कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती है, तो वो लोग देखें कि नहीं, यहाँ भी साफ़ सफाई है, हमारा स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लगता है अब। और आई होप गाइस ये स्टेशन पूरा देख करके काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए नज़ारों के साथ, कुछ नए लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अब चलते हैं अब घर की तरफ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।